फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। और कैसे मेरे प्यारे प्यारे से मित्र, होपफुली आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत सी मिंत्रा की कुर्तियाँ। और ये कुर्तियाँ बहुत अच्छी होने वाली, ट्रस्ट मी, और क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, एक से एक बढ़िया कुर्तियाँ मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये हॉल फर्स्ट कुर्ती के साथ। और फर्स्ट जो कुर्ती है वो है बहुत ही प्यारी सी, ये रेड कलर की कुर्ती आ जा रही है। ये रेड कलर की, बिल्कुल प्यारी सी रेड कलर की कुर्ती है। अच्छा, ये रेड मेरून टच में है, थोड़ा सा ब्राइट रेड दिख रहा होगा बट मेरून टच में है। और ये जो है, मैंने साइज जो मैंने ले लिया है, डबल एक्सएल ले लिया, विशुद्ध ब्रांड की है। एंड राउंड नेक है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है फ्रंट में, एंड बाकी एक कट है। और ऊपर से यहाँ पे जो है ना, नेक लाइन पे पूरा योग पार्ट पे जो है फॉयल प्रिंट हो रखा है। एक्चुअली बहुत प्यारा सा सिल्वर कलर से प्रिंट हो रखा है। ऑल ओवर कुर्ती में ना प्रिंट का ही वर्क है पूरे कुर्ती पे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, ट्राई ऑन पार्ट में भी देख के पता चलेगा, बहुत ही डिसेंट सा एक प्रिंट हो रखा है। बहुत प्यारा लग रहा है, जो कि लुक वाइज एंड शाइन भी आ रहा है इसमें। एंड इसका जो स्लीव है, ये भी 3/4 स्लीव से थोड़ा सा छोटा लग रहा है मेरे को। एंड इसमें ना प्रिंट हो रखा है। तो ऑल ओवर जो कुर्ती है, इसमें प्रिंट है फ्रंट में, एंड बैक साइड बिल्कुल प्लेन है। इसमें रियॉन का कपड़ा है फ्रेंड्स, बहुत ही फाइन मटेरियल है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि गर्मी लगे या कुछ भी ऐसा, बहुत ही फाइन मटेरियल है। तो मैंने जब ट्रायल पार्ट में पहना तो मैंने पहनने के बाद बहुत कंफर्ट फील किया। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, इस टाइप की कुर्तियाँ जो होती है ना, थोड़ा मिक्स मैच करके आप कुछ अलग सा क्रिएट कर सकते हो इनके साथ, तो बहुत ही खास अच्छा सा लुक बन जाता है। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो भी बहुत प्यारी सी होने वाली है। कुर्ती है वो है ये प्यारी सी लाइट पर्पल कलर की कुर्ती। और पर्पल कलर मेरे को बहुत टाइम से ऐसा ना, अभी ट्रेंड में है पर्पल कलर। सो मुझे पर्पल कलर लेना था एंड ये मुझे मिल गई। और ये थोड़ा सा ना मेरे को फेस्टिव वाइब भी दे रही थी। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम विशुद्ध ब्रांड एंड डबल एक्सएल साइज में मैंने इसको ले लिया। ये थोड़ा सा आर्ट सिल्क जो कपड़ा होता है उस टाइप के कपड़े में है। बहुत अच्छा सा एक शाइन है कपड़े में और सिल्की सिल्की सा लग भी रहा है। राउंड नेक है, इसमें भी पूरे सामने मेरे योग पार्ट में प्रिंट हो रखा है फ्रेंड्स। और ये फॉइल प्रिंट है, सिल्वर एंड जो पिंक कलर होता है उसके कॉम्बिनेशन में प्रिंट हो रखा है। बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है, क्लासी सा। और इसका जो स्लीव है, ये 3/4 है और स्लीव में भी देखिए यहाँ पे प्रिंट हो रखा है सिल्वर कलर से। अच्छा, ये जो कपड़ा है, क्योंकि मैं जैसे बोल रही हूँ ये आर्ट सिल्क कपड़ा है थोड़ा सा, तो इसके अंदर इन्होंने देखिए बहुत अच्छे जो मटेरियल होता है उसका अस्तर दिया हुआ है। तो इस वजह से मेरे को ये बिल्कुल भी इची नहीं लगा। लाइक कभी कभी होता है ना, इस टाइप के कपड़े पहनने से हमें लगता है कि स्वेटिंग ज़्यादा होगी या हमें इचिंग होने लगती है, बट ये बहुत कंफर्टेबल था, ट्रस्ट मी। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। एंड क्वालिटी वाइज, स्टिचिंग वाइज सब कुछ बहुत अच्छा लगा मेरे को। मेरी थोड़ी टमी है, दैट्स व्हाई मैंने डबल एक्सल साइज प्रिफर किया। और वैसे भी जब अस्तर वाला कुर्ता होता है तो एक साइज अप जाना चाहिए, क्योंकि उसकी स्टिचिंग की वजह से थोड़ा सा हो सकता है कि टाइट हो। ओके, तो इसकी फिटिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी। ट्राई ऑन पार्ट में आप देखना और आप मुझको आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा कुर्ता पसंद आया। डेफिनेटली आपको बताना है। ओके, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले अगर एक भी सूट पसंद आ जाए आपको मेरी इस वीडियो की। ओके, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो भी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है। नेक्स्ट जो कुर्ती है वो है ये ब्लैक कलर की कुर्ती। एंड मेरे हॉल में मोस्ट ऑफ टाइम या तो ब्लू या तो ब्लैक रहता ही है। अभी भी मैंने ब्लैक पहन रखा है। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम मिंत्रा, इसका भी हॉल आने वाला है। सो दिस कुर्ती इज वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज ये खादी कॉटन कपड़े में है एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम विशुद्ध ब्रांड एंड डबल एक्सएल में मैंने इसको ले लिया था। एंड इसका जो मेरे को लगा, थोड़ा सा मेरे को इसका इश्यू लगा ये कि डबल एक्सएल साइज लेने के बावजूद मेरे को टमी के एरिया में, लाइक टमी का जो एरिया होता है वेस्ट लाइन में, ये थोड़ा सा मेरे को टाइट आया। सो आप वैसे तो अपने ट्रू साइज लेना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मेरे तरह फिजिक रखते हो तो वन साइज अप चले जाना, वरना इसका पैटर्न बहुत ही फॉर्मल है, लाइक ऑफिस वेयर और कॉलेज वेयर वाला कुर्ता है। शॉर्ट कुर्ता है ये, नी लेंथ का, एंड साइड में कट है। और इसमें ना ऐसे करके
एप्पल कट है, यू शेप जो होता है वो है, जिसकी वजह से इसका बहुत लुक अच्छा आ जा रहा है। एंड इसका 3/4 स्लीव है, एंड पूरे कुर्ते पे ना ऐसे रेड कलर से ऐसे एक मोटिफ बना हुआ है, वो वीव्ड है, जो कि पूरा बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसका जो नेक है वो राउंड नेक है, एंड यहाँ पे एक वी कट है, यहाँ पे लूप दिया हुआ है। सो सिंपल एंड एलिगेंट कॉटन का कुर्ता है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती, वो है ये येलो कलर की कुर्ती। ये सिंपल एंड सोबर कुर्तियां हैं जो कि फॉर्मल वेयर में भी आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। हर टाइम जो है बहुत ज्यादा हैवी कुर्तियां नहीं कैरी कर सकते हर जगह, बट ये वाली जो कुर्ती है ये सिंपल सी रेयॉन के कपड़े की कुर्ती है, येलो कलर की, अगेन फ्रॉम द विशुद ब्रांड। आई थिंक सो ये वाला हॉल विशुद ब्रांड का होने वाला है। डबल एक्सेल साइज में लिया था फ्रेंड्स, आप अपना ट्रू साइज ही लेना, बिकॉज डबल एक्सेल साइज के साथ ही मतलब मेरे को लग रहा है ना, डबल एक्सेल का जो ये पूरा सिनेरियो है, मतलब इनका जो मेजरमेंट चार्ट है थोड़ा अप डाउन जा रहा है, बिकॉज कोई कुर्ता डबल एक्सेल साइज में थोड़ा लूज है, कोई कुछ टाइट है। मैं एग्जैक्टली बोल नहीं पा रही हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये राउंड नेक है फ्रेंड्स, और इसमें सामने यहाँ पे एक लूप आ जा रहा है, एंड यहाँ पे बटन है। ओके, सामने कट है। ऑल ओवर कुर्ती में फ्रंट में जो है एक बहुत प्यारा सा जयपुरी प्रिंट हो रखा है व्हाइट कलर से। ये प्रिंट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि येलो पे व्हाइट बहुत ही ग्रेस देता है। एंड यहाँ पे देखिए जो है इसकी स्लीव 3/4 स्लीव है, और स्लीव में भी पूरा ऑल ओवर पे प्रिंट हो रखा है, ठीक है। और जो कुर्ती है फ्रंट में प्रिंट है इसमें नीचे तक, एंड बैक साइड पूरा प्लेन है। तो रेयॉन का कपड़ा होने की वजह से बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है, और इजी टू कैरी, इजी टू मेंटेन, मुझे लगता है ये इस टाइप का जो कपड़ा होता है। तो जो कुर्तियां मैं आपको शो कर रही हूँ, ये सारी कुर्तियों का जो है मैं एक हॉल पैक लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप वहां पे देख के पसंद कर सकते हैं एंड खरीद भी सकते हैं बस एक क्लिक से। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कुर्ती की तरफ। नेक्स्ट कुर्ती जो है वो भी बहुत प्यारी सी कुर्ती है। कुर्ती है ये थोड़ा सा इंडिगो पैटर्न में चला जा रहा है, बहुत सूदिंग सा फैब्रिक है कॉटन का, एंड उस पे ऑल ओवर पे हो रखा है प्रिंट, एंड बहुत अच्छा लग रहा है लुक। फॉर्मल, अगेन ये फॉर्मल कुर्ती आ जा रही है। दिस इज फ्रॉम मोक्षी ब्रांड, एंड इसमें मैंने अपना साइज एक्सेल ले लिया था। कॉलर पैटर्न है इसमें, ए लाइन कुर्ती है, थोड़ा सा ए पैटर्न में है। एंड फ्रंट में जो है इसमें देखिए बटन्स है यहाँ पे व्हाइट कलर के, और पूरा ऐसे करके ए लाइन में जा रहा है। ओके, तो लुक बहुत ही अच्छा है, सामने इस जगह पे कट भी आ जा रहा है। सो लुक वाइज बहुत अच्छा है। इसकी जो स्लीव है ये 3/4 स्लीव होने के साथ ही साथ एंड में स्लीव में यहाँ पे एक फोल्ड है, एंड फोल्ड के ऊपर यहाँ पे बटन आ जा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फॉर्मल वेयर कुर्ती मेरे को लगी, बिकॉज ये ऑल ओवर ये जो आप देख रहे हो ना ये प्रिंट हो रखा है। अगर आप देखो तो थोड़ा सा इसका जो लुक है वो काथा स्टिच में आ रहा है, ऑल ओवर में फ्लावर प्रिंट है, बहुत ही प्यारा कुर्ता है। ये था एक मेरा छोटू सा हॉल, कैसा लगा आपको मेरा ये हॉल डेफिनेटली मुझे बताना है आपको कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा कुर्ता आपको पसंद आया। एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक रहिए आप अपने घर में सेफ, एंड मनाते रहिए सारे त्योहार, इंजॉय कीजिए फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय।